हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इजी और बहुत यूनिक पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 8 के मल्टीपल में प्लस 2 एक्स्ट्रा, और ये हमारा दो कलर्स का पैटर्न है। इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप करेंगे, बाकी फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। राइट साइड है लेकिन फर्स्ट रो जो है उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमने फर्स्ट रो उल्टी बुन रही है। अब रॉन्ग साइड सेकंड रो, इसमें हमने सारे फंदों को सीधा बुनना है, यानी हमने ये तीन सिलाइयां जो है रिवर्स स्टॉकिंग नेट स्टिच से बनानी है। ये देखिए, तो इस तरफ से हम इन्हें सीधा बुनेंगे। तो ये रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, रो हमने सीधी बुन ली, लास्ट फंदा हमने उल्टा बुनना है क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो एच स्टिच को हमेशा हम रॉन्ग साइड में उल्टा बुनते हैं। अब देखिए, थर्ड रो में हमने फिर से सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है, जैसे हमने रो वन बुनी थी तो वैसे ही हम रो थ्री बुन लेंगे, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो हमने कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो में हमने सारे फंदों को, फर्स्ट स्टिच को तो हम उल्टा बुनेंगे, बाकी के फंदों को हमने सीधा बुनना है, लेकिन इस बार हमने दो बार धागा लपेट कर सीधा बुनना है ऐसे। तो हम सारे फंदों को इस तरह से दो बार धागा लपेट कर सीधा बुनकर ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा हमने फिर उल्टा बुन लेना है। ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब फिफ्थ रो में हमने फिर सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो अभी तक हम इन फंदों को सीधा उल्टा ही बुनते आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो हमने धागा लपेटा था ये खुलता जाएगा और इस तरह से हम इन्हें सीधा बुनते जाएंगे ऐसे। तो ये पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब सिक्स्थ रो में हमने अपना दूसरा कलर यूज करना है। देखिए, और ये उल्टी रॉन्ग साइड है तो हमने उल्टा बुनना है। देखिए, इस तरह से पहले फंदे को उल्टा बुना। अब ये जो हमारा अगला फंदा है, इसके हमने एक फंदे के सात फंदे बनाने हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर से एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे पांच हो गए। फिर एक बार धागा लपेटेंगे और उल्टा बुनेंगे। हमने एक फंदे के सात फंदे बना लिए। अब अगले हमने सात फंदों के एक फंदा बनाना है। तो देखिए किस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। पहले हम इन सातों फंदों को इस नीडल पर लेंगे ऐसे, सेवन, सात फंदे इस नीडल पर लिए। अब पहले हम ये जो तीन फंदे हैं, इन तीनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। हम तीन से ज्यादा फंदे एक साथ उल्टे बुनने में थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, तो हमने ये तीन फंदे एक साथ उल्टे बुने। अब जो पीछे के चार फंदे हैं, इन्हें हमने ऊपर से इस तरह से पास कर देना है ऐसे। तो ये हमने सात फंदों के एक फंदा बना लिया। अब फिर हमने एक फंदे के सात फंदे बनाने हैं। तो ये दो स्टेप्स हम बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदे के सात बनाएंगे, एक बार उल्टा बुना, धागा घुमाया, फिर उल्टा बुना, फिर धागा घुमाया, फिर उल्टा बुना, पांच हो गए, फिर धागा घुमा के एक बार उल्टा बुना, तो ये सात फंदे बन गए। अब फिर सात फंदों का हमने एक बनाना है। चार फंदे इस नीडल पर लिए, तीन फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुना। इसे थोड़ा सा टाइट रखेंगे धागे को। अब ये पीछे वाले जो चार हैं, इन्हें ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे, वन टू थ्री एंड फोर। ये तो इस तरह से हम जब बार बार रिपीट करेंगे सात फंदों का एक, एक फंदों के साथ, तो लास्ट में हमारे एक फंदा रहेगा जिसे हमने उल्टे बुन लेना है एच स्टिच। तो ये हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब सेवेंथ रो में हमने फिर से पहले फंदे को सीधा
या फिर स्लिप, बाकी की रो उल्टी बुन लेनी है। और अपने फंदे भी आपको काउंट करने हैं, आपका स्टिच काउंट जो है वो सेम रहना चाहिए। ये देखिए 18 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो ये 18 ही होने चाहिए। तो ये हम पूरी रो उल्टी बुन लेंगे अब। तो ये हमने 7th रो उल्टी बुन ली है। 8th रो में हमने साथ में हमने ये वाला धागा भी कैरी करना है, और 8th रो में हमने पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करना है क्योंकि हमारी रॉन्ग साइड है, बाकी की रो हमने सीधी बुननी है। तो ये पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 8th रो पूरी सीधी बुन ली है। अब 9th रो में हमने फिर से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो जैसे हमने रो 1, 2, 3 बुनी थी, वैसे ही हम रो 7, 8 और 9 बुनेंगे, यानी कि सीधे उल्टे फंदे ही हमने बुनते जाना है। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, रो 9th। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टी बुन ली है रो। अब इस रो में हमने फिर से वही करना है जो हमने 4th रो में किया था। तो इसमें हमने पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी हमने फंदे जो है 2 बार धागा लपेट कर ऐसे सीधे बुन लेने हैं, रॉन्ग साइड है। 2 बार धागा लपेट कर हमने ये फंदे सारी रो इस तरह से सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमने सारे फंदे जो है 2 बार धागा लपेट कर बुन लिए। लास्ट फंदा हमने उल्टा बुन लिया है स्टिच। अब देखिए इस रो में हमने सारे फंदों को सीधे बुनना है। तो जैसे हमने रो 5th में किया था, वही हमने यहाँ पे करना है। ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। तो जो हमने रो 1 to 5 में किया था, वही हमने रो 7 to 11 तक किया है। अब रो 12th में देखिए हमने क्या करना है। इसमें हमने फिर से अपना प्राइमरी कलर लेना है और पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे। अब हमने रो 6th में क्या किया था, पहले हमने एक फंदे के 7 फंदे बनाए थे, फिर 7 का एक बनाया था। इस बार हम उल्टा कर देंगे, पहले हमने 7 फंदों का एक बनाना है। इस बार थर्ड स्टिच के बाद ये देखिए 4 फंदे हमने उतार लिए, 3 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुना। अब इन 4 को हमने इस तरह से ऊपर से पास कर दिया है। तो इस तरह से हमने ये 7 फंदे जो है एक साथ उल्टे बुन लिए, 7 फंदों का एक फंदा बना लिया ऐसे ये। अब फिर से हमने एक फंदे के 7 बनाने हैं, तो उसे एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, 4 हो गया, 5, 6 और ये 7। तो ये हमने 7 बना लिए। फिर से हमने 7 फंदों का एक बनाना है। तीन फंदे एक साथ बुने और जो पीछे के 4 हैं इन्हें हमने ऊपर से पास कर देना है। अब फिर से हमने ये देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे के पहले 7 बनाए, फिर 7 का एक, एक के साथ, और फिर से हमने 7, पहले हमने 7 फंदों का एक बनाया, फिर एक के साथ, फिर 7 का एक, तो फिर से हमने एक के 7 बनाने हैं ताकि हमारे जो फंदे हैं वो कम नहीं होंगे। ये देखिए लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसके बाद हमने फिर से रो 1 से स्टार्ट करना है। तो रो 1 to रो 12 इन रोज को 1 से लेके 12 तक जो सिलाइयां हैं, इन्हें जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए हमारा जो ये पैटर्न है ये इस तरह से बनता जाएगा। मैंने यहाँ पे तीसरा कलर भी यूज किया है, आप चाहें तो आप मल्टी कलर में या एक कलर में, 2 कलर में, किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। बैक साइड से इस तरह से आएगा और ये बहुत ही अलग यूनिक पैटर्न है। ये देखिए आप इसे कैप में, हैट में, इवन बच्चों की जो फ्रॉक में जो नीचे घेरा होता है उसमें बॉर्डर वगैरह इससे बना सकते हैं, कुछ भी इससे बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर देखिए 3D जो है पैटर्न है ये। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।